सपोज कर लो कि आज आपका एग्जाम है और आप बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़कर जा रहे हो, मतलब आपको पता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आपको नंबर भी पता है कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा, आप एग्जाम हॉल में गए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे कर रहे हैं आप, सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको लास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और फिर आप सोचते हो आपको पता है कि वो क्वेश्चन कहाँ पर है, आपको पता है कि वो क्वेश्चन क्या है, तो ये पता है क्वेश्चन का मतलब और आपको आंसर भी पता है, पर वो आंसर क्या है पता नहीं है, तो वो आंसर आपको ये पता है कि वो 45 नंबर पेज पर और वो तो लेसन 2 में दे रखा है, ऐसा वो कुछ भी होगा, कुछ भी पेज नंबर होगा, कुछ भी लेसन होगा, ये मैं नहीं रखता हूँ, जैसे आपको पता है वो नीचे वाले सेक्शन में दिया हुआ है, उसके याद नहीं आ रहा क्वेश्चन का मतलब पता है, और फिर आप दूसरे के पेपर में देख रहे हो कोई तो क्वेश्चन में होगा ना, मतलब पूरे एग्जाम हॉल में, तो फिर आप ऐसे 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 कर देख रहे हो सबको, और आपको एक बच्चा दिखता है वो उसी क्वेश्चन पर होता है, आप क्वेश्चन देखते हो और उसका एक वर्ड देखते हो, आपको वो एक कैजुअल सा वर्ड देखकर पूरा आंसर याद आ जाता है, फिर लिखने लगते हो कांड बताया कि आपके साथ ये चीज हुई है।